डियर फ्रेंड्स, आइए एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रूट ट्रांसफॉर्मेशन। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 6 मार्क्स कैरी भी करता है, यानी एग्जाम में ये 6 मार्क्स आपको दिला सकता है। सो लेट अस सी कि व्हाट इज दिस। तो फर्स्ट थिंग इज रूट ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हम शुरू करने से पहले समझ लेते हैं रूट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस है आर आई आर जे, मतलब है कि आई एथ रो को जे एथ रो के साथ हम इंटरचेंज कर रहे हैं। आर आई लैम्डा आर आई, आई एथ रो को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड आर जे प्लस लैम्डा टाइम ऑफ आई आर, यानी जे एथ रो में आईएथ रो का लैम्डा टाइम ऐड कर रहा है। सो दीज थ्री आर नोन एज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, और इसी की हेल्प से हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करने वाले हैं। हम थ्योरी पार्ट पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा मेन मकसद है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस टॉपिक को प्रिपेयर करना, और प्लस टू सिलेबस में, प्लस टू का जो सिलेबस है उसमें ये डिटेल में है भी नहीं, है ना। डिटेल से मेरा मतलब है कि इसके प्रूफ्स नहीं है, डेफिनेशंस नहीं है कि हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे और इनवर्स क्यों आ जाएगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस टॉपिक, इन दिस वीडियो। यहाँ पर हम सिर्फ मेथड को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन को क्या करना है, हम ए को क्या करेंगे, आई ए लिख लेंगे। यानी ए हमारा है 2 4 3 -1 0 -2 4 2 7, आई मतलब 100 010 001, एंड हेयर यू हैव ए। क्या करना है, इसको आई में कन्वर्ट करना है ऑपरेशन अप्लाई करके, रो ऑपरेशंस। उसी समय वो ऑपरेशन यहाँ भी अप्लाई करना है, ए में अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ हम इस आई में अप्लाई करेंगे। ये आई में कन्वर्ट होगा तो ये जो नया मैट्रिक्स कन्वर्शन आएगा वही हमारा जो नया मैट्रिक्स होगा वो ए का इनवर्स कहलाएगा। ए का इनवर्स क्यों होगा कि हमें पता है कि अगर टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आईएनटी है तो एक को हम दूसरे का इनवर्स बोलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू आई। अब आई में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, इसको वन बनाना है ना। सबसे पहला हमें इसको वन बनाना है। अब ये वन कैसे बन सकता है, या तो हम इसको टू से डिवाइड करें, लेकिन टू से डिवाइड करने पर यहाँ डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा, जो कि एक तरह से प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है कि हम डिवीजन की कैलकुलेशन में अक्सर गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ माइनस कर रहे हैं। ओके, यानी क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, लेट मी राइट द ऑपरेशन फर्स्ट ना। ऑपरेशन हमने अप्लाई किया कि हम आर थ्री में आर वन को माइनस कर रहे हैं। सी, तो आर वन में कोई चेंज नहीं है, आर टू में कोई चेंज नहीं है, और यहाँ माइनस कर दिया हमने। सो थ्री में से टू गया वन, माइनस टू में माइनस वन को माइनस करना है तो प्लस वन हो जाएगा। सेवन में फोर को हमने माइनस कर दिया, सेम ऑपरेशन यहां भी अप्लाई कर दीजिए, ये माइनस हो गया, कोई चेंज नहीं, फिर वी हैव ए। नाउ क्या करते हैं, फर्स्ट रो को थर्ड रो से इंटरचेंज कर लेते हैं। नहीं, हम जैसे इंटरचेंज करेंगे, है ना, जैसे हम इंटरचेंज करेंगे, सीयर व्हाट वी हैव डन, हमने फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर लिया, यानी हमने पहला स्टेप एक तरह से कंप्लीट कर लिया है कि हमें यहां वन मिल गया। अब हम इस वन की हेल्प से इन दोनों को जीरो बनाएंगे, यानी ये क्या करेगा, इन दोनों को जीरो बनाने वाली हेल्प करने वाला है। ये प्लस फोर है, ये प्लस टू है, है ना। तो यानी क्या करना चाहिए, मुझे सेकंड रो में ऑपरेट करना चाहिए, क्या ऑपरेट करना चाहिए, फर्स्ट रो का 4 टाइम माइनस करना चाहिए। ऐसे थर्ड रो में ऑपरेट करना चाहिए, क्या ऑपरेट करना चाहिए, थर्ड रो में फर्स्ट रो का 2 टाइम माइनस करना चाहिए। सी, क्या कर रहे हैं, इसका 4 टाइम माइनस कर रहे हैं, इसका 4 टाइम माइनस कर रहे हैं, 4 3 12 सो -10, यहाँ 2 टाइम माइनस कर रहे हैं, सो इसका 2 टाइम 2 1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सो -1 + 2 1 ना। सी, -1 + 2 हो गया, इसका 2 टाइम 3 2 6 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। नाउ
यहां भी सेम प्रॉपर्टी यहां अप्लाई होगी, यानी क्या करना है, यहां 4 टाइम माइनस करना है इसका। जब 4 टाइम यहां माइनस होगा तो प्लस 4 हो जाएगा, यहां 4 टाइम माइनस करेंगे क्योंकि 0 से कोई इफेक्ट ही नहीं होने वाला है, यहां भी 4 टाइम ने माइनस कर दिया। यहां 2 टाइम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, है ना। सो -1 का 2 टाइम, प्लस का 2, सो 3 हो जाएगा, 0 के कारण कोई इफेक्ट नहीं, 2 टाइम माइनस कर दिया हमने, ओके ना। सी अब क्या चाहिए, अब हमें यहां 1 चाहिए, नाइस, यहां 1 चाहिए। सो 1 के लिए या तो इसको 4 से डिवाइड कर दें या इनको इंटरचेंज कर ले, तो इंटरचेंज ज्यादा बेटर है। क्या कर रहे हैं, आर टू और आर थ्री को इंटरचेंज कर रहे हैं। सो आर वन में तो कुछ नहीं किया हमने, यहां हमने इंटरचेंज कर लिया, राइट। सो सेम प्रॉपर्टी यहां भी अप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, ये हमने इंटरचेंज कर दिया, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या करना है, अब इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाइए, इसको 0 बनाइए। कैसे होगा, आर वन में तो सिंपल दिखाई दे रहा है कि आर वन में आर टू को ऐड कर देना है, और आर थ्री में क्या करना है, आर थ्री में आर टू का 4 टाइम माइनस कर देना है, नहीं आर टू को पहले लिख लेते हैं, ओके। इस 0 के कारण इन पे तो कोई इफेक्ट होना नहीं है, हमने ऑपरेशन ऐसा अप्लाई किया कि ये दोनों 0 होने वाले हैं, यानी मुझे अब यहां ध्यान देना है सिर्फ। इसको हमने यहां प्लस कर दिया, 1 हो गया, और इसको यहां हमने इसका 4 टाइम, 4 2 8, सो +8 आएगा, -2। नाउ आर टू, तो आर टू को ही पहले लिखते हैं, ठीक है ना। इसको ऊपर हम ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड हुआ, 0 ऐड हुआ, -2 ऐड हो गया, राइट। इसका 4 टाइम यहां माइनस होगा, 4 3 12, 4 में से 12 को माइनस किया, -8 हो गया, 4 टाइम कोई इफेक्ट नहीं, इसका 4 टाइम, 4 2 8, सो +4 हो जाएगा, राइट ना। सो हियर वी हैव, हम यहां तक तो पहुंच गए हैं, यहां तक क्लियर। अब इसको 1 बनाना है मुझे, नाउ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस 1 1। लेकिन डियर फ्रेंड, ये तो 1 होने के लिए अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है, नीचे एक एलिमेंट, क्या करते हैं इसको -2 से डिवाइड करते हैं। आई एम राइटिंग हेयर, क्या कर रहे हैं, लेट मी राइट इट हेयर, हम क्या कर रहे हैं, आर थ्री को -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ असली आर थ्री, यानी आर थ्री को आप यहाँ देख रहे हैं आर थ्री, है ना। सो क्योंकि इसमें फर्स्ट कॉलम ये है, हेयर इट इज, सी ना, -2 है, इसको हमने -1/2, यानी 1 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट तो हमारा ये स्टेप है, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है ना, सीट है, इट इज 2 0 -1। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, सेकेंड रो है 3 0 -2, सो सी 3 0 -2। अब थर्ड रो में चेंज होने वाला है, -8 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 1 को -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, और अगेन 4 को जब 2 से तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहां ध्यान देना, यानी भाई ए, ओके। अब इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाइए, तो साफ दिखाई दे रहा है कि आर वन में ऑपरेट करना है, आर वन में आर थ्री को माइनस कर देना है, और आर टू में ऑपरेट करना है, आर टू में 2 टाइम आर थ्री का ऐड कर देना है। सो 1 0 0 0 1 0, ये 1 था, ये दोनों 0 बन जाएंगे। आइए यहां पर ऑपरेशन, जहां हमें ऑपरेट करना है, क्योंकि हमें लास्ट एलिमेंट में कोई ऑपरेशन नहीं करना है, सो हमने उसको ऐसे ही लिख दिया। सी अब हम ऑपरेट करने आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में इसको ऐड कर रहे हैं, सो 4 2 6। आर वन में क्या करना था, सी व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ क्या किया है, हेयर ना, हम माइनस कर रहे हैं, तो इस 4 को हमने माइनस किया तो -2 होगा, 2 में से 4 को माइनस कर दिया, ये वहां माइनस होगा तो 1/2 आएगा, राइट। और ये माइनस होगा तो -1 ऑलरेडी है, इसको माइनस करेंगे तो +2, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका ट्वाइस, 4 2 8, सो 3 में से 8 गया, -5, ठीक है, ओके ना। देन सी इट इज -1/2, इसका 2 टाइम, तो -1 हो गया, -1 को यहां हम ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, -1 ना, क्योंकि ऐड करना है, ये
ये देखो ये चेक लेना है क्योंकि यहाँ छोटी सी गलती हो सकती है, हम ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका टू टाइम कितना था, 4 2 8, 8 और 3। आर टू में क्या करना है, इसका टू टाइम ऐड करना है, तो 4 2 8, 8 और 3 11 होगा। सो दिस वन इज एक्चुअली 11। ओके यहाँ ठीक किया हमने, यहाँ फिर आते हैं इसको टू टाइम, सो -4, -2 पहले से है और -4 और आ गया, सो -6 ने। ओके नाउ ये आई है, हेयर वी हैव बी दैट इज ए, सो देयर फोर ए इनवर्स विल बी -2, 1/2, 1, 11, -1, -6, 4, -1/2, -2। इन जनरली क्या होता है कि हम जब लास्ट स्टेप में डिवाइड करते हैं तो वहाँ मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो क्या करना चाहिए, हमेशा जब हम लास्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान बढ़ा देना चाहिए कि हम अपनी कैलकुलेशन में, कि हमारा लास्ट स्टेप गलत नहीं हो जाए। सो डियर फ्रेंड, हियर यू हैव सीन कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग हियर, कि अगर आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है तो रूल क्या होगा, अगर एक 3x3 मैट्रिसेस आपको गिवन है, लेट दीज आर द एलिमेंट्स, सो क्या करेंगे, पहले इसको वन बनाएंगे, जब ये वन बन जाएगा तो इस वन की हेल्प से इन दोनों को जीरो बनाइए, हेल्प इसी की लीजिए, उसके बाद इसको वन बनाइए, जब इसको वन बनाएंगे तो इसकी हेल्प नहीं लेनी है, हमेशा हेल्प नीचे वाले की लेनी है, और जब ये वन बन जाए तो इसकी हेल्प से इन दोनों को जीरो बनाइए, एंड देन इसको वन बनाना है, इसको वन बनाने के लिए डिवीजन ही अप्लाई करेंगे और इस वन से इन दोनों को जीरो बनाएंगे। सो इसी जस्ट लाइक ए गेम, ये एक तरह का गेम हो जाएगा, गेम की तरह इसको क्वेश्चन को कंसिडर कीजिए, तो बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। जो ओनली मिस्टेक्स हो सकती है, छोटी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि कहीं हम कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें। तो ये एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बोर्ड एग्जाम में ये कन्फर्म क्वेश्चन आएगा, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आता है तो ये 6 मार्क्स कैरी करता है। और कई बार ये देखा गया है कि मैट्रिक्स मेथड से जब इक्वेशन आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो उसके और में, यानी उसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। सो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और +2 रिलेटेड और प्रॉब्लम्स के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर आपको +2 से रिलेटेड आपको टोटल मटेरियल, रिसोर्स मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।